फलक नाश के गेम प्लान पर फुकरा इंसान और मनीषा रानी की क्या है राय? मतलब बिग बॉस के घर में कुछ ग्रुप्स बन चुके हैं तो कुछ लोग दोस्त भी बन चुके हैं। फुकरा इंसान और मनीषा रानी की हम देख रहे हैं कि बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों बातचीत करते हैं, कंटेस्टेंट के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि कौन कैसा है या फिर गेम किसका कैसा जा रहा है, कौन अभी मन में छुपा करके रख रहा है, अंदर से कैसा है और दिखा कैसा रहा है। तो यहाँ पर मनीषा रानी और फुकरा इंसान की लाइफ फीड में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पर फुकरा इंसान का कहना है कि फलक नाश का अभी कुछ गेम ही नहीं है, बेसिकली अभी वो पूजा और साइरस के इर्द गिर्द हैं और साइरस की असिस्टेंट का भूमिका वो निभा रही है कि उन्होंने अंडा पराठा खाया नहीं खाया, तो बेसिकली अभी वो यही कर रही है, अभी उसका कुछ गेम ही नहीं है। तो दूसरी तरफ मनीषा का ये कहना है कि आगे चल के मुझे लगता है कि वो आखिरी तक के जाएगी और आगे चल के वो लड़ेगी, क्योंकि अभी तक के वो सबके सामने सबके साथ प्यारी बन रही है, अच्छी बन रही है, लेकिन जब कुछ लोग बचेंगे 6-7 लोग तब वो लड़ेगी, तब वो फूटेगी, ऐसा लग रहा है मनीषा रानी को। तो कहीं ना कहीं दोनों को ये है कि जैसी फलक नाज है वैसा दिखा नहीं रही है और अभी उनका गेम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो यहाँ पर इनफैक्ट फुकरे इंसान का ये भी कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्क्रिप्ट को फॉलो कर रही है कि मुझे ऐसा बिग बॉस के घर में रहना है। वेल, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।